बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। ये आपसे रिक्वेस्ट होती है ना यार, आप कमेंट्स करते हैं ना, लाइक करते हैं ना, शेयर करते हैं। चलो कोई बात नहीं है, कुछ भी ना क्या करें, सिर्फ बात सुन लिया करें। ये भी आपकी बहुत बड़े जो है ना खिदमत है। और इसके साथ साथ जो लोग कमेंट्स करते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो में नाज़रीन बहुत ही बड़ी खबर है टीएलपी के लिए। और टीएलपी ने जिस तरह से विकेट्स गिराई हैं, विकेट्स एक तो ना गिराना, एक होता है कि विकेट को तोड़ना, इन्होंने वो विकेटें तोड़ी हैं, गिराई नहीं है। ये तमाम चीजें आप इस वीडियो के अंदर सुन सकेंगे, जान सकेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन शेख रशीद साहब के हवाले से खबर है। ये आप शेख रशीद साहब का जहां सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि यार ये शेख रशीद कौन है, ये इसका ताल्लुक कहां से है, ये कैसा है। ये तो टीएलपी का बड़ा दुश्मन हुआ करता था पहले पहले, आपकी ये सोच ये जहन उधर ही चला गया होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप ये वीडियो देखेंगे, उनका बयान भी सुनेंगे और शख्सियत को भी देखेंगे, तो फिर जो है ना आपके जो दिल की धड़कन है वो तेज होने की बजाय थोड़ी स्लो होगी और आप जो है ना वो थोड़ा सुकून में आ जाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ नाज़रीन। जनूबी पंजाब के अंदर वो वीडियो क्लिप भी मैंने प्ले करने हैं जिसमें जो शेख रशीद साहब हो गए और एक मुल्तान से बहुत बड़ी शख्सियत सियासी, उन्होंने भी टीएलपी में शमूलियत का ऐलान किया, उनके वीडियो क्लिप भी हैं वो भी यहां पर प्ले होंगे, वो भी आप लोगों ने तवज्जो के साथ सुनने हैं। तो नंबर वन नाज़रीन यहां पर क्या होता है के सरवर शाह सैफी साहब यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान के जनूबी पंजाब के जो अमीर हैं और रुकन ने मरकजी मजलिस शूरा सरवर शाह सैफी साहब जिस तरह से जदोजहद कर रहे हैं, जनूबी पंजाब के अंदर जिस तरह से वो वर्क कर रहे हैं ना, उनके वर्क की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो इतनी वर्क कभी हमने सोचा भी नहीं था यार कि ये इतनी वर्क करेंगे, ये हमारे जहन में भी नहीं था, लेकिन उन्होंने ये वर्क करके दिखाया है, ये साबित किया है। और बहुत बड़ी शख्सियत यानी वो टीएलपी में शामिल हो रही है, जिनका वहम गुमा भी नहीं मैं भी नहीं था, क्योंकि अवामी राज पार्टी जिसके सरबराह जमशेद दस्ती थे, उसके जो वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा है, इमरान खान के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया हुआ था, उस इत्तेहाद पे थूका है और थूक कर वो टीएलपी में शामिल हुए। क्यों हुए, ये तमाम चीजें वो अपने इस वीडियो क्लिप के अंदर जो है ना वो बयान करेंगे और आप जो है ना वो सुन सकेंगे। और आप देखिए कि ये टीएलपी के उन लोगों को क्रेडिट जाते जो ये काम करें। तो आइए नाज़रीन सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप सुनिए, फिर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। क्या बात, क्या बात। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बेशक बेशक सुना। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तमाम गुलामान बशमूल मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम एहसान किया, अल्लाह ने तुआ को साखों मुसलमानों के घर के अंदर गैर मशरूत पैदा किए। अल्लाह ने तुआ को साखों अपनी खजाने की सब तो कीमती चीज अदा की थी, वो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों कमो बेश 1,24,000 नबी आए, असा तुसा कितने खुशकिस्मत हैं, इमाम अलंबिया सरवर कौन हैं रहमत अल्लाह आलमीन उम्मत जो अल्लाह पाक ने सबको पैदा फरमाए। मेरे भाइयों तुहारा सारा काम अल्लाह ने कुरान पाक फरमा दिता कुन तुम खैर उम्मत ओखरे जतले बुलंद किरदार दी आला मकाम होने की निशानी है कि पूरी दुनिया के उत्ते इस्लाम का परचम लहराया, उसे सुन्नत को जिंदा करेंदे हुए अलामा हजरत खादिम रिजवी साहब ने लाहौर की एक मस्जिद के अंदर बैठ के वो सुन्नत को पूरी करेंदे हुए अल्हम्दुलिल्लाह दीन ने झंडे नु दोबारा चाहे और खत्मे नबूवत की गल की थी। यकीन करो खत्मे नबूवत वास्ते मैं छोटा जिया हूँ, मैं याद है एक मरतबा एक कमीने ने गुस्ताखी की थी,
मेरे वाले साहब ऐसा पूरी फैमिली ऐसा मतलब पैदल छोटे छोटे ऐसे सानू पता ही नहीं ऐसा कितना सफर कर गए। मैंने वो जज्बा भी याद है और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मेरे दीन की गल है, ये तो मेरे अकीदे की गल है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मैंने इस्तकामत देसी तुहाड़े दोस्तों नाल रल के अगर अल्लाह ताला ने मौका दिता और तहरीक ने मौका दिता इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़सू जी नू इलेक्शन आते इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने क्या किया है टीएलपी में शमूलियत का ऐलान किया है। आप लोग जानना चाहेंगे कि यार ये शेख रशीद साहब डॉक्टर शेख रशीद साहब ये कौन थे, इसका बैकग्राउंड क्या था। तो सुनिए कि अवामी राज पार्टी जिसके चेयरमैन थे जमशेद दस्ती, ये उसके वाइस चेयरमैन थे और इन्होंने क्या किया था इमरान खान से मुलाकात की थी और अपनी जो पार्टी थी उसको क्या किया था पीटीआई में जम कर दिया था। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपकी आंखों के सामने है और टीएलपी इस वक्त जिस तरह से मुतहरक है पूरी पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने क्या किया लोगों को इकट्ठा किया। जब ये लोग इकट्ठे हो गए तो इन्होंने क्या किया अपना जो वर्क था वो स्टार्ट किया और इस वर्क स्टार्ट होने के बाद आप देखिए कि मुल्तान के अंदर जिस तरह से ओएस यासीन साहब ने वहां पर जो था काम किया उनके काम की भी जितनी तारीफ की जाए वो कम है और सरवर शाह सैफी साहब जिस तरह से ऊपर से इनको लीड कर रहे तो ये सारा का सारा क्रेडिट आला क्यादत से लेकर नीचे वर्करों तक जो है वो लोगों को जाता है और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में क्या किया है ये कारनामा सर अंजाम दिया है और इसका जो सरक सरक क्रेडिट है वो इन लोगों को ही जाता है। इसके बाद नाज़रीन ये शेख रशीद साहब वाइस चेयरमैन भी थे और ये बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं और इन्होंने अपने इलाके के अंदर कुछ फ्री बसें भी चलाई हुई हैं और इस तरह से ये फलाही काम कर रहे हैं और इनका इस तरह से शामिल होना टीएलपी में और ऊपर मुफ्ती अल्लाह बचाए साहब का एमएलए की नशेस्त पर इलेक्शन लड़ना। आप देखिए कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त टीएलपी के नाल कुछ कैंडिडेट के जो थे वो या क्या होते हैं पोले के एजेंट भी नहीं थे, लेकिन इसके हवाले से अभी से इन लोगों ने क्या किया पोलिंग एजेंट का और पोलिंग इंचार्ज वगैरह जैसा बिल्डिंग इंचार्ज हो गया ये तमाम चीजें इन्होंने अभी से ही जो है ना वो सेट कर ली है। वो पूरी की पूरी डिटेल मेरे पास आ चुकी है, वो मस्जिद मेरे पास आ चुके हैं, वो आप इस वीडियो में सुन सकेंगे जान सकेंगे। ये इस तरह से कारनामे जो है वो सरंजाम दे रहे हैं यार। और मुफ्ती अल्लाह बचाए साहब को अगर देखा जाए तो इन्होंने पिछली मरतबा 39,000 वोट हासिल किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलामिया के मुताबिक उसके ऐलान के मुताबिक ये उन्होंने ये वोट हासिल किए थे। अब जब शेख रशीद साहब इनके नीचे जो है ना वो स्टैंड लेंगे आप खुद मुवाजना कीजिए, वो भी बहुत बड़ी शख्सियत है इलाके के अंदर फलाई काम क्या हुआ है एक मजहबी घराने से उनका तल्लुक है और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो काम है और दूसरा मुल्तान के अंदर तो आप समझिए कि मुजफ्फरगढ़ टीएलपी का गढ़ बन चुका है और जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये क्रेडिट जाते हैं। हर शख्स के यार इख्तलाफात होते हैं, ये नहीं आप बहुत से जो लोग हैं वो उंगली उठाएंगे कि यार ये देखिए यार वो देखिए कि वो बंदा अपनी वाइस चेयरमैन ही छोड़ रहा है, यानी एक बंदा वाइस चेयरमैन है पार्टी के अंदर उसका इतनी बड़ा ओहदा है और वो पार्टी पूरे पाकिस्तान के अंदर यानी थी उनके लोग थे उनकी बारिश थी लेकिन उसने अपनी उस पार्टी को छोड़ा छोड़ यानी कुर्बानी दी, कुर्बानी देकर वो टीएलपी में शामिल हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए उसका वेलकम करना चाहिए। जब हम वेलकम करेंगे तो ऐसे समझ लें कि पूरी दुनिया को इस चीज का क्या जाएगा मैसेज जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी कि टीएलपी का असली चेहरा क्या है। और इसकी नाजरीन जो वहां के लोग हैं जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए उनको जितनी भी जो सलाम पेश किया जाए वो कम है। मैंने पहले भी कहा कि ये सारा का सारा क्रेडिट रुकन शूरा पीर सरवर शाह सैफी साहब को जाता है जिस तरह से उन्होंने लोगों को मुतहरक किया हुआ है और उन्होंने डंडा दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुझे काम चाहिए काम काम का, यानी उन्होंने सख्त किया हुआ है कि सख्ती से आदत दिया हुआ है कि यार काम मुझे चाहिए मुझे रिजल्ट चाहिए रिजल्ट,
मुझे हर हलके के अंदर, हर पीस के अंदर आपका वर्क होता हुआ नजर आना चाहिए, आपके लोग मुतारक नजर आना चाहिए, आप पूरे के पूरे जो सिस्टम है वो करें। ये इस तरह के नाजरीन जो है ना वो वहां पर कारनामे हो रहे हैं और ये मैंने आपके साथ शेयर किया। हाँ, मैं शेख रशीद साहब का इंटरव्यू भी जो है ना वो लाजमी करूंगा। मैंने रब्ता किया तो एक और बहुत बड़ी शख्सियत जो मुजफ्फरगढ़ के अंदर शमूलियत अख्तियार कर रही है, उनका ऐलान भी कल या परसों तक हो जाएगा। तो जब ये इन दोनों शख्सियत का हो जाएगा तो इन दोनों शख्सियत का क्या करना है, मैंने इंटरव्यू लेना है और वो फिर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।